दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 9 अक्टूबर 2023। दोस्तों दलहन यानी दालों पर देश का पहला चैनल है जो आपको हर सूचना और खबर आज तक पहुंचाता है। साथ साथ हम आपको अग्रिम विश्लेषण भी देते हैं। लगभग 2 महीने पहले हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि चने में अब बड़ी सकारात्मक रुख नजर आ रहा है, चने में तेजी नजर आ रही है। दोस्तों अगस्त महीने, अगस्त जून जुलाई और अगस्त का महीना देखें तो अगस्त सितंबर और अब 2 महीने में ही चने के भाव आसमान छूने लगे हैं। दोस्तों ये भारत में नहीं अपितु विश्व के अनेक हिस्सों में इस तेजी का प्रभाव पड़ा। यदि ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलियन चना में जो भाव 8 अगस्त को माज $585 प्रति टन चल रहा था, उछलकर $900 प्रति टन पर पहुंच गया था। दोस्तों ये अग्रिम अनुमान हमने आपको 2 महीने पहले अगस्त महीने में ही दिया था जो कि अक्सर सत्य साबित होता नजर आया है। दोस्तों याद रखिएगा कि तेजी आने से पहले तेजी और मंदी आने से पहले मंदी का विशेष विश्लेषण हम अक्सर आपको अपने चैनल पर देते हैं। याद रखिए कि समय पे जो मुनाफा वसूल कर लेता है, समय पे जो एंट्री कर लेता है, वही सिकंदर कहलाता है। दोस्तों जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, उड़द या दलहन के अंदर उड़द, तुअर, मूंग, चना, इन पे सभी में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में चने के दाम पिछले 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषकर क्यूंसलैंड प्रांत के मध्यवर्ती भाग में चने की नई फसल की कटाई तैयारी अब जोरों शोरों से होने लगी है, लेकिन व्यापारी और निर्यातकों ने जबरदस्त मांग के कारण इसके भाव उछलकर 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में 2023-24 के सीजन के दौरान चने का अधिकांश उत्पादन क्यूंसलैंड इलाके में होता है और दक्षिणी क्यूंसलैंड व उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में मौसम शुष्क रहने से फसल की पैदावार सीमित होने की संभावना जताई गई है। साउथ ऑस्ट्रेलिया प्रांत में मसूर फसल की कटाई की तैयारी शुरू हो गई है और चालू माह के दूसरे पखवाड़े में यानी सेकेंड हाफ में इसकी गति तेज होने की संभावना है। क्यूंसलैंड एवं डार्लिंग डाउन्स के डिपो तक डिलीवरी के लिए चने के भाव अगस्त के अंत तक $630 प्रति टन चल रहा था, जो उछलकर अब $900 प्रति टन के ऊपर पहुंच गया है। गौरतलब है कि साल 2022 के आरंभिक समय के बाद ये सबसे ऊंचा स्तर चने का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। दिसंबर तक क्यूंसलैंड प्रांत से कम 2 जहाजों से 20,000 टन चने का निर्यात होने की संभावना नजर आ रही है। उधर टाउनविल्स तथा ब्रिस्बेन के बंदरगाहों में कंटेनर में चने के निर्यात के आसार बन गए हैं। क्यूंसलैंड प्रांत से इस बार चने की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उपज दर सामान्य देखी जा रही है। औसत उपज दर 2100 किलो प्रति हेक्टर की दर्ज होने के समाचार मिल रहे हैं और उत्पादकों का यह भी कहना है कि जो $585 और $600 प्रति टन के भाव थे अब $900 प्रति टन पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकारी एजेंसी ओब्रेस ने चालू सीजन के दौरान ऑस्ट्रेलिया में 5.33 लाख टन चने का उत्पादन का अनुमान लगाया है, जबकि व्यापारिक अनुमान 5 लाख टन से कम रहने का संभव है। यानी सरकारी अनुमान से व्यापारिक जो अनुमान है वो कम है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में मसूर का उत्पादन 13 लाख टन की उम्मीद जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के क्यूंसलैंड उत्तरी क्यूंसलैंड साथ साथ उत्तरी न्यू साउथ वेल्स एवं साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रांत के कुछ भागों में सर्दी की एवं बसंतकालीन फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है और क्यूंसलैंड में गेहूँ व जौ का उपज दर व क्वालिटी अच्छी बताई जा रही है। साउथ ऑस्ट्रेलिया प्रांत के उत्तर भाग में मसूर की क्वालिटी शानदार है और हाल के दिनों में वहां कुछ बारिश हुई जो कि फसल के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने की संभावना होगी। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया प्रांत के साथ साथ पूर्वी साउथ ऑस्ट्रेलिया में फसल की अच्छी स्थिति बताई जा रही है। इसके आधार पर उद्योग व्यापार क्षेत्र ने साल 2023-24 सीजन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मसूर का कुल उत्पादन 13 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। साल 2022-23 में मसूर का रिकॉर्ड उत्पादन 16 लाख टन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन वर्ष माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की नई फसल का मसूर निर्यात ऑफर मूल्य नवंबर दिसंबर डिलीवरी के लिए $1,085 से $1,090 प्रति टन चल रहा है,
जो कि हल्की क्वालिटी के लिए है। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ई डॉलर का विनिमय दर कमजोर पड़ने से विदेशी खरीदारों के लिए मसूर अब आकर्षक स्तर पर हो गई है और फिलहाल इन इंपोर्टरों का दिलचस्पी कम है। आयात और निर्यात दोनों ही भारत और कनाडा के संबंधों पर नजर टिकाए रखे हैं। गौरतलब है कि हाल में ही भारत और कनाडा के अंतर राजनीतिक संबंध थोड़े खटास में आ गए हैं और गौरतलब है कि मसूर में कनाडा का स्थान महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और ऑस्ट्रेलियन निर्यातक अब इसका फायदा उठाने की फिराक में हैं। महत्वपूर्ण यह रहेगा कि चने के अंदर इतनी शानदार तेजी भारत व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दर्ज हुई है जिसका सबसे पहले हमने अनुमान दिया था। अब एक यश प्रश्न यह है कि आप ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करने चाहिए या और रुकना चाहिए। नंबर दो, एक ये भी महत्वपूर्ण है कि पांच राज्यों में चुनाव की तारीखें डिक्लेयर होने के समाचार हैं और सरकार किसी भी कीमत पर महंगाई को काबू रखने में हर संभव प्रयत्न करेगी और नाफेड और आफेड के पास में चने का पर्याप्त स्टॉक है और वो अब बाजारों में यदि महंगाई बढ़ेगी या दाम बढ़ेंगे तो उसको नियंत्रण करने में हर संभव प्रयास करेंगे। दोस्तों, गेहूँ या चना, सोयाबीन हो या सरसों, इसकी विशेष रिपोर्ट मार्केट इंटेलिजेंस और इम्पोर्टेंट रिसर्च आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आज ही संपर्क करें। दोस्तों, सांप निकलने जाने के बाद लकीर पीटने से कभी कुछ नहीं होगा। समय से पहले आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।